तेरे को याद है, अपना घनश्याम पानवाड़ी से उधारी चल रहा था। मेरे को रोज बोलता रहता था, पैसा कब देगा कब देगा, बहुत उधारी हो गया है। तो मैं कैसा उसको रोज हल्के में लेके टाल देता था। एक दिन उसकी हटी और वो मेरे पीछे छुरा लेके भागा। मेरे को मालूम था कुछ नहीं करेगा करके, तो मैं भी भागते भागते मजे ले रहा था उसके। लेकिन तू बीच में आ गया। तेरे को लगा सच में मार डालेगा मेरे को, तो तूने उसका छुरी अपने हाथ से पकड़ लिया। कम से कम आधी बाटली खून तो निकला रहेगा ना बा। न्यू गेट जयपुर गोलचा सिनेमा, उसके पास एक स्वीट ड्रीम नाम का होटल है। उस होटल के पास एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के 305 फ्लैट में आपका भाई रह रहा है। ये रहा एड्रेस। गलती तुम्हारी नहीं है, इसका नशा है ही ऐसा। बाकी सारे नशे फेल कर देता है। हमारा क्या है, फकीर आदमी है, झोला लेके चल लेंगे। किसी सांता क्लॉस से कम हूं क्या मैं? एक बात बताओ, तुमने कभी अपना स्टफ ट्राई किया है? आई डोंट मिक्स बिजनेस विद प्लेजर। हमारा तो काम ही है आप जैसों के लिए जीना। आपकी दया पे पल रहे हैं हम मेम साहब। आप एक रिपोर्टर हो, स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर रिपोर्टर। व्हाट द कैसे? आप यहाँ बैठने के इरादे से नहीं आए थे, पूरे माहौल को देखकर रुके। कोई बिजनेसमैन होता तो बिल्कुल नहीं रुकता, क्योंकि अगर टाइम पर डिनर के लिए पहुंचना है तो ट्रैफिक बढ़ने से पहले निकलना होगा। बड़ी गाड़ियां ट्रैफिक में फंस जाती हैं। यूसी, अपनी सिगरेट निकालने से पहले आपने 2-3 पॉकेट चेक करी, पूरे दिन में काफी लगी होंगी। फिर एक जेब से गलती से एक पेंसिल निकल आई, जो कि आजकल एक रेयर चीज है, स्पेशली किसी एडल्ट की जेब से एक पेंसिल का निकलना। तो या तो आप एक स्केच आर्टिस्ट हैं या एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर। कोई स्केचबुक भी नहीं है, और फ्रैंकली स्पीकिंग आपकी शक्ल को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप आर्टिस्टिक हैं। तो सही जवाब है न्यूज़पेपर रिपोर्टर। टडा। दूर खड़ी सपनों की मलिका है थोड़ी ना यार, मिराज है। वो जो डेजर्ट में दिखता है, होती रेत है, लगता पानी। उसके लिए मैं पापड़ बेलूं, 2 कौड़ी की हस्ती है पर उससे खेलूं, फेंक बिखेरूं अपना सब कुछ किसकी खातिर? किसे चाहिए मन का सोना, आंख की मोती, किसे पड़ी है क्या है? एक दिन अपने कुछ दोस्तों के साथ ऑटो में सफर कर रहा था। मैंने अपना बैग जो है वो सीट के पीछे वाले एरिया में रख दिया, ताकि आराम से फैल के बैठ सके। ऑटो रुकी, मीटर रुका, पैसे चुकाए और हम चल पड़े। अब चलते चलते मुझे कुछ खाली खाली सा फील होने लगा। सही पकड़ा आपने। अबे मेरा बैग! मैं भागा, चिल्लाया, बैग बैग, ऑटो ऑटो। मेरे दोस्त भी मेरे पीछे पीछे, रेवंत रेवंत, और मैं आगे आगे, बैग बैग, ऑटो ऑटो। जगह नहीं और डायरी में, ये एस्ट्रे पूरी भर गई है, भरी पड़ी है जले बुझे अध कहे ख्यालों की राख हो बू से। ख्याल पूरी तरह से जो कि जले नहीं थे, मसल दिया या दबा दिया था बुझे नहीं, वो कुछ उनके टुकड़े पड़े हुए हैं बस। 1-2 कशी लेके कुछ मिसरे रह गए थे। एक बात बताइए, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब मैं लेखक बन चुका हूं? अरे जब रगों में खून की जगह स्याही दौड़ने लगे तो समझ जाना कि तुम लेखक हो। थैंक यू गुरुजी। आप आपकी कुछ फीस? अरे नहीं नहीं ये सब मैं
पैसों के लिए नहीं करता,